please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक मेले के दौरान बिजली से चलने वाले झूले में बैठे कुछ लोग नीचे गिर गए। आरोप है कि झूले की एक ट्रॉली का बोल्ट अचानक खुल गया, जिसके बाद चलते झूले से ट्रॉली टूटकर नीचे गिर गई। इस ट्रॉली में 7 लोग बैठे हुए थे, लेकिन काफी ऊंचाई से ट्रॉली गिरने की वजह से 10 साल की एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो झूला चलाने वाले कर्मचारी की पिटाई करने लगे और घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कुछ पुलिस वाले टॉर्च की मदद से झाड़ियों में बदमाशों की तलाश करने लगे। आरोप है कि वहां 3 बदमाशों ने चेकिंग के दौरान एक दारोगा को गोली मार दी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कई थानों की पुलिस के साथ SP मौके पर पहुंच गए। फौरन ही बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। हाथ में रिवॉल्वर लिए एक दारोगा कुछ पुलिस वालों के साथ झाड़ियों में बदमाशों को ढूंढने में जुट गया। इस दौरान गांव वाले भी पुलिस की मदद के लिए पहुंच गए, जिनके हाथों में डंडे थे और वो एक खेत में अपराधियों को खोजने लगे। जिसके बाद पुलिस ने गांव वालों की मदद से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और 2 गिरफ्तार किए गए। उनके पास से घटना में प्रयुक्त जो है मंचा लोडेड बरामद किया गया, लेकिन एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया, जिसे पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। जबकि घायल दारोगा संतोष यादव को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खुद को BJP का नेता बताकर कुछ लोग एक पुलिस अधिकारी को राज्य की योगी सरकार के नाम पर धमकाने की कोशिश करने लगे। पुलिस का आरोप है कि BJP का नेता होने का दावा करने वाले इन लोगों ने कुछ ट्रक वालों को रुकवा कर उनसे अवैध वसूली की और विरोध पर उनके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया, जिसके बाद मामले की जानकारी पर पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और कुछ लोगों पर पुलिस की कार्रवाई में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। मैं कार्रवाई करूंगा, अब तुम्हें जो करना था किसी को कहना, अब मैं कार्रवाई करूंगा। खुद पर इल्जाम लगता देख हंगामा कर रहे लोग भी बेकाबू हो गए और उन्होंने एक पुलिस अधिकारी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हम भी कार्रवाई करेंगे। BJP का नेता होने का दावा करने वाले इन लोगों ने राज्य की योगी सरकार के नाम पर उस पुलिस अधिकारी को डराने की कोशिश की। यही नहीं, वीडियो में दिखाई दे रहे लोग पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करवाने की धमकी देते भी नजर आए। आप सस्पेंड हो गए, आप सस्पेंड हो गए। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिसकर्मी सभी लोगों को थाने ले गए। यही नहीं, पुलिस के कुछ ट्रक वालों को भी अपनी हिरासत में लिया, जिन्होंने हंगामा कर रहे लोगों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था, लेकिन BJP नेताओं ने इन आरोपों को पुलिस की साजिश करार दिया और इसके जवाब में एक दूसरा मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें 2 लड़के पुलिस की गाड़ी में बैठे नजर आए। ये खनन छुड़वाने आए योगी सरकार है, योगी सरकार किसने भेजा। वीडियो बना रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की गाड़ी में सवार लोग अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले ट्रकों को छुड़वाने के लिए वहां पहुंचे थे और ये खनन माफियाओं को छुड़वाने के लिए यहां पे आ गए। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए हंगामा करने वाले लोगों पर ट्रक वालों से अवैध वसूली का आरोप लगाया। शराब पी के बदतमीजी कर रहे थे, डॉक्टर को भी इसी बात के लिए ये लोग धमकाए। डंपर वालों के खिलाफ जो केस रजिस्टर किया है। घटना के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली के पास नोएडा में एक सब्जी व्यापारी एक सड़क पर टमाटर फैलाकर जमीन पर लेट गया। वहां प्रदर्शन कर रहे सब्जी व्यापारियों ने सब्जी मंडी समिति पर गलत तरीके से व्यापारियों को दुकानें देने का आरोप लगाया, जिसके बाद नाराज सब्जी व्यापारियों ने अपनी सब्जियां सड़क पर फेंक दी और मंडी समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने मंडी समिति पर नियमों के खिलाफ कुछ व्यापारियों को दुकानों के लाइसेंस देने का आरोप लगाया। उन व्यापारियों को अलॉटमेंट में बिठाया जा रहा है, जबकि 1 साल का कोई भी लाइसेंसी अलॉटमेंट में नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए 3 साल चाहिए। व्यापारियों के सड़क पर प्रदर्शन की वजह से वहां गाड़ियों का जाम लग गया। नाराज व्यापारियों का आरोप है कि मामला कोर्ट में होने के बावजूद मंडी समिति ने दुकानों का लाइसेंस दे दिया। पैसे दे के और 5-5 लाख रुपए मंडी समिति को दिए हैं कि हम इस चीज को कर रहे हैं और ये चीज जो हम सीधे सीधे प्रशासन से कह रहे हैं, इसकी जांच करा ली जाए। प्रदर्शन और हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर प्रदर्शन कर रहे सब्जी व्यापारियों को शांत करवाया।
लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हाथ में पोस्टर और बैनर पकड़े कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सिंधी और बलोच समुदाय से जुड़े इन लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताने के लिए भूख हड़ताल की और वहां खड़े होकर पाकिस्तान सरकार के जुल्म के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला और आजादी के नारे लगाए। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर ही बैठ गए और सिंध बलूचिस्तान से गायब हुए लोगों को तलाशने की मांग करने लगे। सड़क किनारे भूख हड़ताल पर बैठे सिंधी और बलोच समुदाय से जुड़े इन प्रदर्शनकारियों ने सिंध और बलूचिस्तान में लापता लोगों की तस्वीरें भी दिखाई और वहां खड़े होकर पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे जुल्मों का कच्चा चिट्ठा भी बयां किया। इस प्रदर्शन में बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अलावा छात्र संगठनों ने भी हिस्सा लिया और सबने एक सुर में पाकिस्तान से आजादी की मांग की। पाकिस्तान के दूतावास के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं के हाथों में कई पोस्टर और बैनर थे जिन पर पाकिस्तान विरोधी नारे लिखे हुए थे। सिंध में हमारे बहनों को, हमारे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, सियासी एक्टिविस्ट को उठा के ले जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। बलोच लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी आगाह किया कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान उनके लिए भी मुसीबत बन सकता है। राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी के हेल्थ चेकअप के बारे में अमेरिका जाने की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी के रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए उनके साथ विदेश रवाना होने की जानकारी देते हुए बीजेपी के सोशल मीडिया सेल पर निशाना साधा कि ज्यादा परेशान ना हो, वो जल्दी लौटेंगे। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने मोदी सरकार पर वादों से मुकरने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं करने का आरोप लगाते हुए 24 जून को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आईडी धमाके में 3 जवानों के घायल होने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं को फिटनेस चैलेंज देते हुए 3000 किलोमीटर की नर्मदा की परिक्रमा करने की चुनौती दी। बिहार के दरभंगा में मोहम्मद अशफाक नाम के एक मुस्लिम ने एक हिंदू लड़के को खून देने के लिए अपना रोजा तोड़कर मिसाल कायम की। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने वहां यूपी सरकार की ओर से बनाए जा रहे उत्तर प्रदेश भवन का शिलान्यास किया, लेकिन शिलान्यास से पहले सीएम योगी ने हर की पौड़ी में गंगा आरती की। इसके बाद वो अलकनंदा घाट पर उत्तर प्रदेश भवन के शिलान्यास की पूजा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। भूमि पूजन के बाद सभी लोगों ने दोनों हाथ उठाकर गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार में बन रहे 100 कमरों वाले उत्तर प्रदेश भवन पर करीब 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तैयार होने के बाद इसे उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के भवन उत्तराखंड में हो और उत्तराखंड के भवन उत्तर प्रदेश में हो, ये अच्छी बात होगी। सीएम योगी के इस दौरे में यूपी और उत्तराखंड सरकार के बीच पिछले 17 वर्षों से लटके परिसंपत्तियों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई।